मैट्रिक के इम्तिहानात में अच्छे नंबर लेने के बावजूद स्वात के तलबा के लिए कॉलेजेस में दाखला आसान नहीं रहा। 950 से ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा भी धक्के खा रहे हैं। श्री ज़ादा की रिपोर्ट। वादी स्वात अपनी खूबसूरती के सबब सयाहों के लिए जन्नत से कम नहीं, लेकिन यहाँ की नौजवान नस्ल के लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं रही। जलजले से मुतासरा गवर्नमेंट जहांजेब कॉलेज की इमारत की दोबारा तामीर का मंसूबा बनाया गया। पुरानी इमारत को गिराना तो शुरू कर दिया, लेकिन नई इमारत बनी न मुतबादिल इंतजाम किया गया। भुगत रहे तो बेचारे तालिब इल्म। हमीद अहमद खान भी इन्हें में से एक है। मैट्रिक के इम्तिहान में 962 नंबर लेने पर खुश इस जहीन तालिब इल्म के लिए कॉलेज में दाखिला एक इम्तिहान बन गया। प्री मेडिकल में अप्लाई किया है, लेकिन यह सीट है बहुत कम है, मेरठ लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेरा यह एडमिशन नहीं हो सकता। और यह कह रहे हैं कि यह जगह नहीं है, अगर रेंट पर कोई जगह ले ले तो सब लोगों को आसानी होगी। माजी में कॉलेज में 1000 से 1200 तक तलबा को दाखिला दिया जाता था, लेकिन इस साल अब 6500 उम्मीदवारों में से सिर्फ 650 खुशनसीब तलबा की कॉलेज में एंट्री मुमकिन होगी। हमारे कॉलेज में जो है इसमें 400 सीटें हुकूमत की तरफ से साइंस में हमारे लिए जो मुख्तस हम सब ले रहे हैं, और आर्ट्स में भी 100 के करीब हम सीटें ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि पहले मॉर्निंग में होते थे, अब इवनिंग में होंगी, क्योंकि हमारा बड़ा बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश हो गया है। तलबा मशवरा देते हैं कि कॉलेज के हॉस्टल में तदरीसी अमल जारी रखा जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है ना, हमने और कॉलेज में अप्लाई नहीं किया है, अभी हम क्या करें। मेरे 844 नंबर है और सीट कम होने की वजह से मुझे दाखिला नहीं मिलता है। हुकूमत से हमारा मुतालिबा ये है कि जहांजेब कॉलेज का ये सीटें ज्यादा करो। एक अंदाजे के मुताबिक स्वात में कॉलेजों की कमी के बायस इस साल 12000 से ज्यादा तलबा दाखिले से महरूम रह सकते हैं। नौजवानों को तालीम के मौके फराहम किए बगैर तरक्की की मनाजिल तय करना मुश्किल है। शिरीन ज़ादा, हम न्यूज, सैदु शरीफ, स्वात। वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स।